हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से चलते हैं अपने किचन की ओर और देखते हैं कि आज हमारे किचन में कौन सी टिप है जो कि हमारे छोटे छोटे काम को ना बहुत आसान कर देती है। जब हम कभी छोटे छोटे काम में अपने किचन में फंस जाते हैं ना, तो ये टिप हमारे बहुत काम आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपके पास भी इस तरह की कोई टिप है तो आप मुझे लिख भेजें, मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी पहली टिप कौन सी है। तो आज की हमारी पहली टिप है कि अगर आप बिना फ्राई कद्दू के कोफ्ते बना रहे हैं तो सबसे पहले आप घी को ग्रेट कर लीजिए। और अब आप थोड़े से दही में मसाले तैयार कर लीजिए। अगर दही में मसाला नहीं तैयार करना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं सिंपल मसाले के साथ में, लेकिन अगर आप दही के साथ बनाएंगे तो ये कोफ्ता काफ़ी टेस्टी बनेगा। बाकी जो भी आपको अदरक लहसुन प्याज डालना है उसे आप डाल लीजिए। घी को ग्रेट करके आप उसका पूरा पानी हाथों से निचोड़ करके रख लीजिए। सबसे पहले तो आप मसाला तैयार कर लीजिए और मसाले में भून करके पानी डाल दीजिए। जब पानी उबाल के आ जाए तब आपको घी को निचोड़ लेना है। निचोड़ कर इसमें बेसन और जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। और डाल करके जब पानी उबाल के आ जाए तो आपको इसमें अपने कोफ्ते को डाल देना है। आप देखेंगे आपका कोफ्ता बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम बिना फ्राई तैयार होकर रेडी है। अलसी का लड्डू बनाते वक्त अगर आप अलसी को भून लेंगे, आपको तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से चुटपुट की आवाज़ ना आ जाए। तो अगर आप भून के बनाएंगे ना तो इसका लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और भून लेने पे इसका जो डाइजेशन है ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कच्चा जो होता है वो थोड़ा डाइजेशन में मुश्किल होता है, मुश्किल करता है। लेकिन अगर आप भून लेंगे तो एक तो स्वाद तो बढ़ ही जाता है इसका, साथ साथ ये डाइजेशन में भी ईजी हो जाता है। और इसमें आप थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल डाल लेंगे तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप इस लड्डू को चीनी में ना बना करके गुड़ में बनाइए तो इसकी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप अलसी का लड्डू बनाएं तो आप इसमें गुड़ डालें और आप इसमें इसे अच्छी तरह भूनेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लड्डू बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। तो आप इस टिप को ट्राई करें। आप घर में ही पुदीना पाउडर बिल्कुल मार्केट जैसा बना सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले पुदीना के पत्ते को अच्छी तरह तोड़ लेना है। इसमें आपको डंडियों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आगे का जो छोटा छोटा पत्ता है ना उसे आप तोड़ लीजिए डंडियों के साथ ही, क्योंकि वो जो डंडी होती है ना वो बिल्कुल कोमल कोमल सी होती है। बाकी डंडियों को आपको हटा देना है और पत्ते को अच्छी तरह तोड़ लेना है। पत्ते को तोड़कर इसको अच्छी तरह आपको 4 से 5 बार बढ़िया से धो लीजिए, क्योंकि इस वक्त बरसात है ना तो इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी जम जाती है। और आप धो करके छान करके आप इस तरह किसी जाली के बर्तन में या फिर किसी भी थाली वगैरह में डाल करके इसे धूप लगा दीजिए 1 दिन का, और 2 से 3 दिन आप इसे पंखे में रख दीजिए। अगर आप गर्मी ज़्यादा है फिर तो आपका ये 2 दिन में तैयार हो जाता है। तो इस तरह आप होममेड पुदीना पाउडर घर पर तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको इनमें से कौन सा टिप ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई इस तरह की टिप है तो आप मुझे लिख भेजें, मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही काम की टिप में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।